So good morning students, welcome to my channel, and today we are going to start our new topic, that is microsporogenesis. Okay beta, so main aapko previous lecture mein bata chuki hu structure of microsporangium. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके बेटा, सो एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल यानी कि पीएमसी. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके सो बेटा, एक बार मैं और रिपीट करा रही हूँ आपको. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है किसकी, माइक्रोस्पोर की. ठीक है, अब वो फॉर्मेशन कौन करती हैं, वो फॉर्मेशन करती हैं पोलन मदर सेल. ठीक है, अब पोलन मदर सेल कैसे करती हैं कि पोलन मदर सेल जो होती हैं वो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें और स्ट्रक्चर बनती है किसकी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो ये पूरा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल या पीएमसी भी बोल सकते हैं. थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके तो अब हम बात करेंगे. देखिए ये डायग्राम जो है ये आपकी एनसीईआरटी का ही है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक मैच्योर एंथर है और जब मैच्योर एंथर जो है वो डाइहिस्ड हो जाता है यानी कि वो रैप्चर हो जाता है. ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे पोलन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर ये आपको शो किया गया है. ठीक है, तो होता क्या है बेटा, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें से रिलीज़ होते हैं माइक्रोस्पोर. ठीक है, अब वो माइक्रोस्पोर क्या है, डी एसोसिएटेड अलग अलग हो जाते हैं वो एक दूसरे से. ठीक है, और उसके बाद वो एक टेट्राड की फॉर्मेशन करते हैं. ये है टेट्राड, टेट्राड मतलब फोर, 1 2 3 4, तो वो फॉर्मेशन करते हैं टेट्राड की और यही टेट्राड जो है डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन में. ठीक है, अब रैप्चर ऑफ एंथर लोब, अब एंथर की ये यहाँ पे क्या थी, लोब थी. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, रैप्चर हो गई थी. देखो यहाँ से देखो, आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, रैप्चर हो गई है. ठीक है, अब रैप्चर होने के बाद बहुत सारे सेवरल थाउजेंड पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एट ए टाइम, एक ही टाइम पर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, तो मैं टॉपिक को एक बार और रिवाइज करा रही हूँ. सबसे पहले हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है. सो बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं. किन कौन बनाती है माइक्रोस्पोर, पोलन मदर सेल बनाती है. ठीक है, कौन से डिवीजन के थ्रू बनाती है, मियोसिस के थ्रू बनाती है. ठीक है, अब ये मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाई है कि ये एक मैच्योर एंथर है और जब ये रैप्चर होती है, इसकी एंथर लोब जो है जब ये रैप्चर हो जाती हैं तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं. ठीक है, तो एंथर मैच्योर था. ठीक है, उसमें से किसकी फॉर्मेशन हुई, माइक्रोस्पोर की. ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर जो थे एक दूसरे से अलग अलग हो गए. ठीक है, इन्होंने क्या फॉर्मेशन की, टेट्राड की फॉर्मेशन की और यही टेट्राड डेवलपमेंट करता है किसका, पोलन ग्रेन का. ठीक है बेटा, इसको टेट्राड क्यों बोला, क्योंकि इसमें टेट्रा मतलब फोर, 1 2 3 4 चैम्बर प्रेजेंट है, इसलिए इसको टेट्राड बोला गया. ठीक है, तो जब एंथर लोब रैप्चर्ड हो जाती है, एंथर जो लोब है, ये जो इसकी वॉल्स हैं ये रैप्चर्ड हो जाती हैं, तो सेवरल थाउजेंड पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं एट ए टाइम. ठीक है बेटा, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Thank you.